भैया गौरी बजाय उत्तर प्रदेश भाजपा डिस्चार्ज और कांग्रेस मंत्रक के विचारों को चलते इन दोनों पार्टी के पास न्याय की इच्छा शक्ति नहीं है। इन दोनों दलों के देश की आज़ादी के 17वें वर्ष वक्त ही पिछड़ी जात ब्रिटिश राज परिवार अनुसूचित जात जनजात अनुसूचित जात को सामाजिक शैक्षिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक समान भागीदारी नहीं दिया। साथ ही भाजपा और कांग्रेस की सरकार ने समाज के विकास को रोकने का कार्य कर रही है। उक्त बातें प्रधान कार्यालय भारतीय सर्वजन पार्टी से जारी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक निषाद ने कहा कि प्रदेश व देश में सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब शासन सत्ता और सचिवालय में वंचित समाज के लोगों को भागीदारी जिम्मेदारी देखने को मिलेगी। श्री निषाद ने कहा कि दुर्भाग्य है कि समाज के इन लोगों इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि देश के प्रदेश में सबका विकास हो इसके लिए शासन सत्ता से भाजपा और कांग्रेस को उखाड़ फेंकना होगा। श्री निषाद ने देवरिया लोकसभा क्षेत्र के गौरी बाजार की जन समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में नव निर्मित मेडिकल कॉलेज दलालों के चुंगल में फंस गया। इन मेडिकल कॉलेजों में गंभीर मरीजों के लिए सुविधा नहीं के बराबर है और डॉक्टर हल्के मरीजों को मनमाने दवाइयां लिख देते हैं, साथ ही मनमाने तरीके से पुराने मेडिकल कॉलेजों में रिफर कर देते हैं। इस बात को नहीं समझ रहे हैं देश में सबका विकास हो इसके लिए शासन सत्ता से भाजपा कांग्रेस को उखाड़ फेंकना होगा। देवरिया लोकसभा क्षेत्र के गौरी बाजार की जन समस्याओं पर चर्चा करना चाहूँगा। कोरोना काल में बहुत से ट्रेनों के ठहराव को खत्म कर दिया गया जिसको आज तक बहाल नहीं किया गया। ट्रेनों के ठहराव पूरा हो इसके लिए आज भारतीय सर्वजन पार्टी को अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है। गौरी बाजार में ट्रेनों का ठहराव पुनः चालू करने के लिए जिसमें बरौनी एक्सप्रेस अप डाउन वाराणसी गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस अप डाउन सिवान अयोध्या पैसेंजर झांसी एक्सप्रेस अप डाउन दादर हावड़ा एक्सप्रेस पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ साथ स्पेशल ट्रेनों का ठहराव गौरी बाजार रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों में दलालों के चंगुल में फंस गया है। इन मेडिकल कॉलेज में गंभीर मरीजों की सुविधा नहीं के बराबर है और डॉक्टर हल्के मरीजों को मनमाने दवाइयां लिख देते हैं, साथ ही मनमाने तरीके से पुराने मेडिकल कॉलेजों में रेफर करते हैं जिसकी पंजीयन रजिस्टर के अनुसार मरीज के परिजनों से व्यवस्था और स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवहार कैसी रही प्रत्येक माह में शासन स्तर से जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जय हिंद।